कौन सा ऐसा मामला है जो अल्लाह के नबी हमारी रहनुमाई करके नहीं गए। हमारी बदनसीबी है, हम जानते हुए भी समझते हुए भी मचले बन गए। और आज हाल देख लो क्या है हमारे घरों में। घर हैं, 10 कनाल का घर है सोने के लिए। सलफी साहब, मैंने तकरीबन सागवान की लकड़ी मंगवा कर बेड बनवाया, उस पर 30 लाख से ज्यादा लगा मेरे पास, नींद नहीं आती। 10 खाने घर में पकते हैं, जब किसी खाने की खुशबू नाक में आती है तबीयत खराब हो जाती है। चोकर का मैं जर्मन से मंगवाया मैंने बिस्कुट, डॉक्टर ने बोला वो खाएगा, अपना चोकर मजन खाई जाता पे। अपने आटे को छान के नहीं, आटा चिट्टा लियाओ, है जी, साढ़े को नहीं पकता दूसरा, तू अपना चोकर निकाला, जर्मन से चोकर वाला आटा मंगा के खा रहा है। तू कहा के देख, तू खा के देख, सो के तो देख, उससे बिगाड़ के तू सुख पाएगा? तूने दौलतमंद समझा है कि मैं दौलतमंद हूं तो मैं सारी दुनिया खरीद लूंगा? तू अपनी नींद तो खरीद के दिखा, तू एक पल खा के तो दिखा, उसको पचा के तो दिखा। तू खा ले वो निकालना ना चाहे तो तेरा निकाल कोई नहीं सकता। अगर तुझे ना खिलाना चाहे तू खा के दिखा, नहीं खा सकता। फिर अल्लाह के सामने तू आकड़ बन गया,